हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटन कड़ी की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है लगभग 500 ग्राम मटन। अब चलिए हम सबसे पहले इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 2 टेबलस्पून कर्ड। कर्ड को मैंने रूम टेम्परेचर पर कर लिया था। अब हमें इसमें डालना है लगभग 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और लगभग 1 टेबलस्पून जीरा धनिया का पाउडर। नमक आप अपने स्वादानुसार डालिए और लहसुन और अदरक का पेस्ट लगभग 1 टीस्पून। साथ ही मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लगभग 1 टेबलस्पून ऑयल की। अब हमें इसे कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है और आधे घंटे के बाद हमें इसे प्याज के ग्रेवी में डालना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। जब तक मटन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम लोग ग्रेवी की तैयारी करते हैं। कुकर को गर्म कर लेते हैं और जैसे ही कुकर गर्म हो जाए हमें इसमें ऑयल डालना है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होनी चाहिए। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून साबुत जीरा, 1 तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 हरी इलायची, 1 लौंग और 5 से 6 काली मिर्च। अब मैंने 5 से 6 प्याज के टुकड़े किए हैं जिसे मैं ऑयल में डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। प्याज को हमें थोड़ा पिंक होने तक भूनना है। प्याज ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे हमें 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेना है। लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से भुना चुकी है, इसकी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अब चलिए हम इसमें मैरिनेट किए हुए मटन को डाल देते हैं। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमें इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाले अब डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने मैरिनेशन में सारे मसाले डाल चुके हैं। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और हमें इसे लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट से छोड़ने के बाद हमें इसका ढक्कन हटाकर इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैं इसे ढककर ही पकाने वाली हूँ, इसमें सीटी नहीं लगाने वाली। अभी इसे पकने में टाइम है इसलिए मैं इसे फिर से 15 से 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ देती हूँ। 15 से 20 मिनट के लिए इसे फिर से छोड़ने के बाद हमें अब इसे भूनना है अच्छी तरह से। अब फ्लेम को मैं मीडियम पे कर लेती हूँ और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक मसाले से तेल रिलीज ना होने लगे। मसालों से तेल रिलीज होना शुरू हो गया है लेकिन हमें इसे अभी थोड़ी देर और भूनना है। अब हमें इसमें 1 कप बॉइल वाटर डाल देना है ताकि ग्रेवी हमारी अच्छी हो जाए। अब मैं इसमें लगभग
हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर की डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने खड़े मसाले डाल चुके हैं। और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करके इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देना है। और ये हमारी मटन करी बनकर रेडी हो गई है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। यदि आपको इसे बनाने का मेरा तरीका पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।